अगर आपको पनीर सूट नहीं करता या आप पनीर खाना छोड़ना चाहते हैं तो आप टोफू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टोफू ना सिर्फ पनीर के मुकाबले ज्यादा हेल्दी है, बट इसका इस्तेमाल हर उस रेसिपी में किया जा सकता है जहाँ पनीर की जरूरत हो, जैसे पनीर टिक्का काठी रोल। काठी रोल बनाने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे परांठा। इसके लिए ले रहे हैं हम एक बड़ा कप मैदा, एक बड़ा चम्मच तेल, थोड़ा सा नमक। इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंद देंगे। पानी को एक साथ ना डाल के अगर आप थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो आटा बढ़िया गूंदेगा। हम आटे को लगभग 5 से 10 मिनट तक के लिए गूंदेंगे ताकि इसके अंदर का जो ग्लूटेन है वो अच्छी तरह से रिलीज हो जाए। गूंदे आटे को हम लगभग 1 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। तो चलिए तब तक हम काठी रोल की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। हम 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल के ले रहे हैं, 1 बड़ा चम्मच तेगी मिर्च जो टिक्के को बहुत सुंदर कलर देता है। इसमें हम 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, 1 बड़ा चम्मच गार्लिक जिंजर का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस और 250 ग्राम मूंगफली से बना हुआ दही डालकर मिला लेंगे। अब इस मसाले में सोए से बने हुए पनीर के टुकड़े डालेंगे। अब इसमें कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर डाल के मिला लेंगे। टिक्का बनाने के लिए आप लकड़ी या मेटल की सीख का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टिक्का कोयलों पे तैयार किया जाता है, पर घर पर आज हम इसे बनाने के लिए कास्ट आयरन के पैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हम 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और तैयार की हुई सीखों को एक एक कर उसमें रख देंगे। टिक्के को पकाने के लिए सीखों को लगातार पलटते रहें। कास्ट आयरन में पकाने की वजह से एक अच्छा टेक्सचर तो मिल जाएगा, पर खुशबू के लिए हम थोड़े से कोयले का इस्तेमाल करेंगे। थोड़े से कोयले को जलाकर एक बर्तन में टिक्के के साथ उसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। इससे टिक्के को एक बहुत अच्छी खुशबू मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आटे का टेक्सचर बदल गया है और आटा मुलायम हो गया है। तो अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। हमने पेड़ा जो है मीडियम साइज का लिया है, क्योंकि परांठा रोटी के मुकाबले भारी होता है। अब इस बेले हुए परांठे पे हम तेल लगाएंगे। अब हम इस परांठे को प्लीट्स में फोल्ड कर लेंगे, जैसे कि वीडियो में दिख रहा है, ताकि तैयार परांठे में अच्छी सी लेयर्स आ जाएं। प्लीट्स के एक एंड को हम अंदर की साइड घुमाते हुए पेड़ा बना लेंगे और दूसरे एंड को उसके नीचे दबा देंगे। अब इस पेड़े को हम रोटी की तरह बेल लेंगे। परांठे को दोनों तरफ से पका लेंगे। परांठे को क्रिस्पी बनाने के लिए तेल लगाने के बाद इसे अच्छी तरह से दबाते हुए पकाइए। परांठा हो गया तैयार। अब इसमें तैयार किया हुआ टिक्का डालेंगे। कुछ बारीक कटे हुए प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, धनिया, चाट मसाला, नींबू का रस और कोई भी आपकी मनपसंद चटनी। मैं यहाँ पे सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हो गया आपका टोफू यानी सोए पनीर टिक्का काठी रोल रेडी, जिसका स्वाद बिल्कुल पनीर से बने हुए काठी रोल जैसा है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसी कई मजेदार रेसिपीज के लिए पीपल फार्म वीगन किचन को भी सब्सक्राइब करिए।